नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज मैं आपसे एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों आप देखते रहिए ये वीडियो। देंगे तुझे जाने तुझे देंगे नहीं। दोस्तों कल रात से एक मैसेज जो मुझे बार बार फॉरवर्ड किया जा रहा है वो यह है कि मोहाली में एक बच्चे ने अपना फिजिक्स का एग्ज़ाम सही नहीं होने के कारण अपनी लाइफ को एंड कर लिया है। और दोस्तों मैं इस टॉपिक को इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि इस टाइम पर मेरे चैनल से करीब 1,00,000 बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि अभी इस फेज से गुजर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या आपकी जान एक एग्ज़ाम की मार्कशीट से भी सस्ती हो गई है? नहीं दोस्तों, इस केस के बारे में मैंने आगे और स्टडी करी तो इसमें मैंने देखा कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा सुसाइड होते हैं वो एग्ज़ाम में फेलियर होने के कारण होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि आपके ज़िंदगी के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। फेलियर का मतलब ये होता है कि अब वो वक्त आ गया है जब आपको सक्सेसफुल होने के लिए 1,000 रास्ते खोजने हैं। दोस्तों एक और बात जो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ वो ये है कि अकेडमिक्स ही सिर्फ वो पार्ट नहीं है जहाँ पर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अकेडमिक्स के भी अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा स्ट्रेस हो आपकी लाइफ में, एक बार आप इमेजिन करो कि आपके माँ बाप की हालत क्या होगी जब उनको पता पड़ेगा कि आपने आपकी जान ले ली है। आप इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते। चाहे कितना भी बड़ा स्ट्रेस हो आपके लाइफ में, आप अपनी ज़िंदगी को इतने हल्के में मत लो यार। आपको पैदा करने वालों को उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख देकर मत जाओ। और जो पेरेंट्स इस वीडियो को अभी देख रहे हैं मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि कहाँ गए वो दिन जब आप अपने बच्चों के साथ बैठकर बातें किया करते थे, आप उनसे पूछते थे कि आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। आजकल के पेरेंट्स को फेसबुक और व्हाट्सएप से ही टाइम नहीं मिलता और इसी दौड़ में बच्चे भी ये भूलते जा रहे हैं कि जो उनके पेरेंट्स हैं वही उनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वो बच्चे अपने बेस्ट फ्रेंड्स को खोजने के लिए फेसबुक पर निकल पड़ते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है लेकिन उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कभी भी सुसाइड नहीं होता। और मैं आपको इस पाथ पर जाने से स्ट्रिक्टली मना करूंगा क्योंकि इससे न केवल आप अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा रहे हैं साथ ही आप अपने माँ बाप के लिए दुखों के बादलों को पीछे छोड़कर जा रहे हैं। और दोस्तों एक बड़ा भाई होने के नाते मैं आपसे एक प्रॉमिस करवाना चाहूँगा कि आप जब भी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाएँ जब आपका स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाए तो आप अपने पेरेंट्स के साथ उस बात को डिस्कस कीजिए। क्योंकि जब आप किसी भी फील्ड में सक्सेस होते हैं तब आप अपनी बात को पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि उस सक्सेस पर आपके पेरेंट्स को प्राउड हो और आप उससे अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। तो क्यों ना आप आपके सभी फेलियर्स को भी अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें। और दोस्तों यकीन मानिए आपके पेरेंट्स आपको ऐसी सलाह देंगे जिससे आपकी बड़ी से बड़ी टेंशन दूर हो जाएगी। दोस्तों आप मुझसे प्रॉमिस करने के लिए कमेंट बॉक्स में #iPromise लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप मान लो तो हार है लेकिन अगर आप ठान लो तो जीत है। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए क्योंकि अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर किसी एक भी बच्चे की जान बच जाती है तो इस चैनल के लिए और मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ भी नहीं होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत। जाने नहीं देंगे तुझे जाने तुझे देंगे नहीं।